दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के एक्स सीएम जेल से बेल पर बाहर तो आ गए हैं, बट कुछ शर्तों के साथ, कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ जो कि कोर्ट ने इन पर लगाए हैं। इन्होंने मॉरल ग्राउंड्स का हवाला देते हुए दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दिया यानी कि रिजाइन किया और आम आदमी पार्टी की मीटिंग में आपसी सहमति से इन्होंने दिल्ली और दिल्ली वासियों को दिया मनमोहन सरीखा डमी सीएम यानी कि पपेट सीएम आतिशी मार लेना। अब वो दिल्ली में चलाने वाली है खड़ाऊ सरकार। आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजियां और नौटंकियां यही खत्म नहीं होती। उनका कहना है कि जिस तरह राजा भरत ने भगवान श्री राम के एब्सेंस में उनके खड़ाऊ के अंडर में शासन किया था अयोध्या पर भगवान श्री राम के लौट आने तक, ठीक उसी तरह ये सीएम केजरीवाल के चेयर को यूज नहीं करेंगी। इंस्टेड ये एक अलग चेयर यूज करेंगी ठीक सीएम केजरीवाल के चेयर के बगल में। टिल ही कम्स बैक। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और राइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे आम आदमी पार्टी के नेता जो कि अब दिल्ली की सीएम है, उनका अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, उनकी अवार्ड विनिंग एक्टिंग जो आजकल खूब वायरल हो रही है। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक, बहुत ही भावुक पल है इनके लिए और इनकी पार्टी के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन ही कुछ ऐसा है। किस किस की आंखों में आंसू आए, किस किस की आंखें भर आए इनकी बातें सुनकर, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, कमेंट सेक्शन में डालें। बहुत ही धमाकेदार, कमाल की और हार्ट टचिंग एक्टिंग की है इन्होंने। इस साल का नोबेल प्राइज इनके लिए तो पक्का है, क्योंकि नोबेल बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाला है, इंट्रोड्यूस करने वाला है प्राइज एक्टिंग के फील्ड में। भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया, इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। इनके इन्हीं नैतिकता की मिसाइल मिसाल ने तब इस्तीफा नहीं दिया था जब ये जेल यात्रा पे गए थे, ये अब इस्तीफा ऑफर कर रहे हैं, ये अब इस्तीफा दे रहे हैं जब इनको अच्छे से पता है चुनाव नजदीक है, इलेक्शन नजदीक है, तो इनको अब याद आ रही है सारी की सारी नैतिकता, सारे के सारे मॉरल ग्राउंड्स। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो केजरीवाल उसकी टीम मास्टर है नौटंकियां करने में और ड्रामेबाजी करने में। आतिशी मार लेना का कहा एक एक वर्ड, एक एक स्टेटमेंट किसी थिएटर में चल रहे प्ले की तरह ही केयरफुली क्राफ्टेड साउंड कर रहा है, मस्त से। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इनको अपनी एक्टिंग पे इतना भरोसा है कि खुद ही खुद की हंसी को रोक नहीं पा रही थी। अगर आपने इस क्लिप को गौर से और केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि ये अपनी हंसी को दबाने की, रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इनको भी अच्छे से पता है कि ये इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में, 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ
फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। लिटरली वेरी बैड एक्टिंग, इनसे अच्छी एक्टिंग तो शायद KRK ने देशद्रोही मूवी में की है। ये सब जो आपने देखा सुना वो कुछ और नहीं, आम आदमी पार्टी का चुनावी दाव है जो केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही चलाए। बट क्या है ना, पब्लिक आजकल इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। इस इंटायर क्लिप को टोटालिटी में देखने सुनने के बाद मुझे रामायण का वो सीन, वो पर्टिकुलर एपिसोड याद आ गया जहां प्रभु श्री राम का और भरत का मिलाप हुआ था। मुझे नहीं पता किसने लिखी है इतनी बकवास स्क्रिप्ट इनके लिए, जिसने भी लिखा है कचरा ही लिखा है और इन्होंने कचरा ही डिलीवर किया है। एज ऑलवेज आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें ताकत मिलती है, इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।